नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं अशोक वानखड़े, पिला खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन की जरूरत है ताकि पब्लिक सर्वेंट को ठीक से प्रोटेक्ट किया जाए। उन्होंने खास तौर पर बैंकिंग क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में जो नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, उसमें बेवजह बैंक के बड़े अधिकारियों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। जेटली जी ने राज्यों को भी नसीहत दी है कि राज्य का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो ठीक से काम करे, केंद्रीय जांच एजेंसी से कोऑर्डिनेट करे। उनका कहना है कि जिन मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही है, उन्हीं मामलों में राज्य की पुलिस कई अधिकारियों को अरेस्ट करके मामले को खराब करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य यदि समन्वय के साथ नहीं चले तो ये संघीय ढांचे के लिए खतरा है। खबर के पीछे की खबर यह है, पूरा देश जानता है कि बैंकिंग सेक्टर में कितना करप्शन है। जो भी आदमी बैंक से कर्ज लेता है या बैंक की मदद लेता है, उसे बैंकिंग लॉज के बारे में इतना पता नहीं होता जितना अधिकारियों को होता है। इस देश में जितने भी बैंक के बड़े घोटाले हुए, उन घोटाले के लिए रास्ता बैंक के अधिकारियों ने ही दिखाया है। ये बैंक के अधिकारी ही है जो नए कर्जदारों को नए नए रास्ते दिखाते हैं, जिससे कर्जदार बैंक से मैक्सिमम फायदा उठा के बैंक को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, और उस नुकसान में जो कमाई उस कर्जदार की होती है, उसमें अधिकारियों की बराबर हिस्सेदारी होती है। यही हाल आपको प्रशासनिक ढांचे में भी दिखाई देता है। जो नेता होता है, चाहे वो चुनाव जीतकर कॉर्पोरेटर बने, एमएलए बने, एमपी बने या मंत्री बने, उसे उस विभाग की इतनी जानकारी नहीं होती जितनी अधिकारियों को होती है। ये अधिकारी ही है जो उस नेता को भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करते हैं। यदि जेटली चाहते कि इस देश से करप्शन खत्म हो, तो फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं, कम से कम उसके डर से लोग अपने औकात में रहेंगे। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।